हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, सन फार्मा शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले हफ्ते देखा था हमने सन फार्मा अपने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट देखे। रिजल्ट्स के दिन पे काफी अच्छा रिएक्शन आया था इस स्टॉक में, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया उस दिन, और नेक्स्ट दिन भी वापस नीचे हमने डाउनफॉल देखा। आज भी अब जब ओपनिंग में मार्केट आई खुली थी तब करीबन कह सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेट पे ओपन हुआ था, ये करीबन 795 798 के आसपास ओपन हुआ था। जब मार्केट में करेक्शन आया तो फिर से ये स्टॉक नीचे डिप हुआ 785 तक, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मार्केट डिप अच्छे से इसने रिकवरी किया, फिर से एक बार 800 के लेवल्स पे आसपास क्लोजिंग किया है। तो इस स्टॉक में इस पर कह सकते हैं, स्टॉक में अगर इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस देखे, फंडामेंटल्स देखे तो काफी स्ट्रांग है। और रिजल्ट्स के बाद जो मेजर ब्रोकिंग एजेंसीज है, जो मेजर रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने क्या आउटलुक दिया है स्टॉक के बारे में, सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, सबसे पहले वो लेटर देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही में हम देखेंगे रिजल्ट भी देखेंगे इस वीडियो में, और साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे। तो मेन चीज है ये वीडियो बनाने के पीछे जो इंटेंशन ये है कि इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पे करेक्शन जो रिजल्ट के बाद आया है, जो इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस समय कह सकते हैं मेजोरिटी जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इस समय मार्केट में क्वार्टर टू के, हार्डली कोई स्टॉक ऐसा है जिसने कह सकते हैं रिजल्ट्स का जो रिएक्शन है पॉजिटिव दिया है, क्योंकि काफी सारे रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके चलते हमें रिवर्सल कह सकते हैं डायरेक्शन दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स बीइंग गुड। तो सन फार्मा भी वही हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन अब जो कह सकते हैं ट्रेंड होगा सन फार्मा का वो बुलिश ट्रेंड ही है, और जो टारगेट्स है वो काफी अच्छे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, ऐसा एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफी सारे हमारे कंपनी, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो के कह सकते हैं यहाँ पे वीडियो का एक ओवरव्यू दे दूं आप सभी को। इन दिस वीडियो वी विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ सन फार्मा लिमिटेड, वी विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, वी विल सी द म्यूचुअल फंड डेटा ऑफ द सितंबर मंथ, लेवल्स और एसएमए लेवल्स देखेंगे, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखेंगे, साथ ही में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे स्टॉक का। क्यूएनए सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा, 14 नवंबर को यानी इस संडे फिर से हम एक बार दोपहर को 3 बजे यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, जहां जितने भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। 45 मिनट्स का सेशन में जितना हो सके सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का कमेंट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके सभी को रिप्लाई मिल जाएंगे। एडवाइजरी स्कीम के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पे 30 डेज 90 डेज दो तरीके के मॉडल्स है, दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो पूरे महीने में आप कह सकते हैं इंट्राडे बेस्ड, डिलीवरी बेस्ड, साथ ही में एफएनओ बेस्ड काम कर पाएंगे। अगर आप कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो एज पर ट्रेडिंग लिमिट अपने पोजिशन को क्रिएट कीजिए। अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो एज पर एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखिए, जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा। और जितना हो सके अगर एक पर कॉल पे 5 से 6 लॉट में काम कर रहे हैं, अग्रेसिव ट्रेडर है आप, तो टारगेट्स के पहले थोड़ा एग्जिट कीजिए, पोजिशंस को लाइटन रखिए। और अगर आप डिफेंसिव प्लेयर है, एक कॉल पे 1 या 2 लॉट में ही काम कर रहे हैं, तो टारगेट्स के कह सकते हैं एज पर टारगेट्स पे अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीजों का ध्यान रखिए अपने, अगर पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाना है तो जल्दी से जल्दी स्कीम में अलॉटमेंट दीजिए। तो वीडियो की तरफ कह सकते हैं लौटते एक बार यहाँ पे, सन फार्मा बाय सेल और होल्ड, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू आफ्टर क्वार्टर टू रिजल्ट्स। एक हफ्ते में हमने देखा इतना बुलिश रिएक्शन अभी तक ये रिजल्ट का नहीं आया है स्टॉक में। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन बुलिश रिएक्शन आया था, 838 तक ये स्टॉक गया था, वहां से नीचे की तरफ फिर से एक बार आया था उसी दिन, और दूसरे दिन से फिर से करीबन कह सकते हैं कंसोलिडेट होते होते फिर से एक बार नीचे की तरफ ही 800 के लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है, जहां पे ये स्टॉक रिजल्ट के दौरान था। तो ओवरऑल अगर देखे तो सन फार्मा का कंसोलिडेट रेवेन्यू केम इन हायर एट ₹9,626 करोड़ फॉर द क्वार्टर एज कम्पेयर टू ₹8,553 करोड़ इन September 2020 लास्ट क्वार्टर, रजिस्टरिंग अ 12.5% ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर देखे तो रेवेन्यू का ग्रोथ है करीबन 12.5%, तो ये अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू पे। साथ ही में सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस रोज ऑन इन द अर्ली ट्रेड ऑन November 3rd आफ्टर द कंपनी हैड डिक्लेयर्ड इट्स सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स। इंडियन फार्मास्यूटिकल सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैव डिक्लेयर अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹2,047 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड इन सितंबर, इंक्रीजिंग 12.9% एज कम्पेयर टू 1,813 करोड़ रिपोर्टेड इन सेम क्वार्टर इन 2020। यानी पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
वो था 1813 करोड़, लेकिन इस बार आया है 2040 करोड़ के आसपास। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 12.5% के आसपास, और सिक्वेंशियल ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू वॉज 41% एंड -1% रिस्पेक्टिवली। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लेकिन मेन जो इंटेंशन है इस वीडियो का बनाने का वो है कि बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसीज है उनका आउटलुक क्या है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करें, रिसर्च हाउस कैप एंड ओवरवेट रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट ऑफ 895, यानी मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो टारगेट है वो रिवाइज नहीं किया है, एज इट इज टारगेट रखा है और वो टारगेट है 895 का। तो ये सबसे पहली चीज आपको समझनी है। कालसा की बात करें तो उन्होंने टारगेट का अपना जो टारगेट था पहला वो रिवाइज किया है, टारगेट को बढ़ा दिया है और अब उनका टारगेट है 1050 का। पहले उनका टारगेट करीबन कह सकते हैं 900 के आसपास का था, लेकिन अब वो 1050 कर दिया आफ्टर द रिजल्ट। तो कालसा ने अपना यहाँ पे जो कह सकते हैं टारगेट है सनफार्मा के लिए वो रिवाइज किया है, लेकिन ऑन अपर साइड। सिटी बैंक की बात करें तो सिटी बैंक सिटी का जो है टारगेट यहाँ पे 1000 के आसपास है, तो सिटी ग्रुप ने अपना जो टारगेट रखा है वो 1000 के आसपास रखा है फॉर सन फार्मा आफ्टर द रिजल्ट। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उनका टारगेट उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले उनका टारगेट 890 का था, अब उनका टारगेट आया है 970 का। तो ये चीज आपको देखना है, जितने भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस सबने अपना टारगेट्स को रिवाइज किया है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए। साथ ही में सनफार्मा क्वार्टर टू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट राइजेस 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹2047 करोड़, बीट्स एस्टिमेट्स, यानी एस्टिमेट से भी ज्यादा इसने अपने रिजल्ट दिए हैं। आईसीआईसी डायरेक्ट ने अपना टारगेट्स अगेन रिवाइज किया, वो है 965 का, इनका पहला टारगेट था 890 के आसपास का। मोतीलाल ओसवाल जैसे मैंने कहा 970 कर दिया है। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंसोलिडेट रिजल्ट हम देख रहे हैं, पिछले साल सितंबर में रेवेन्यू था 8808 करोड़ के आसपास, इस बार रेवेन्यू आया है 9840 करोड़ के आसपास। पिछले साल टोटल प्रॉफिट था 1917 करोड़, इस बार टोटल प्रॉफिट है 2280 करोड़। पिछले साल नेट प्रॉफिट था 1812 करोड़, इस बार नेट प्रॉफिट आया है 2050 करोड़ के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा देखें अक्टूबर मंथ का, तो अब तक कोई क्लियर डेटा आया नहीं है, लेकिन सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में जो डेटा था वो था 2,75,000 शेयर्स के आसपास बाइंग हुआ है इन द म्यूचुअल फंड कंपनीज, बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन द मंथ ऑफ सितंबर। साथ ही में अगर रिटर्न्स परसेंटेज अगर हम देखें तो एक हफ्ते का रिटर्न देखें तो -1% का रिटर्न, एक महीने में -5%, 3 महीने में 1.5%, 6 महीने में 23%, 1 साल में 57%। तो ओवरऑल अगर देखें तो रिटर्न परसेंटेज इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे आपको, लेकिन फार्मास्यूटिकल स्टॉक में कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर हम कहें तो सन फार्मा इस समय ज्यादा ही बुलिश कह सकते हैं, टारगेट्स उसके सेट हो रहे हैं, जिसके चलते ये जो रिटर्न्स परसेंटेज आने वाले समय में काफी रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ से आरएसआई अगर हम देखें तो इस समय 45 के आसपास है, एमएफआई 51.5, यानी दोनों इस समय न्यूट्रल जोन के आसपास है। 30 डेज में 811 है, 50 डेज में 797, तो हम कह सकते हैं इस समय ये 50 डेज में के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख ली, बॉटम था 780 का, हाईएस्ट पॉइंट है करीबन 836 का। 1 महीने का बॉटम देखिए अगेन 780 का, हाईएस्ट पॉइंट है 850 का। 3 महीने का हाईएस्ट पॉइंट है 853 और लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे 740 के आसपास का। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो एक हफ्ते में यहाँ पे टोटल अगर एवरेज देखे तो 39 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 15 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। तो ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स ने सन फार्मा में इन्वेस्ट किया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, स्टॉक का मोमेंटम भी लौटेगा, लेकिन थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।